नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके जय श्री राम ओम चैनल पर। गुरुवार का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही गुरुवार के दिन के अधिष्ठाता भगवान बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि देवताओं के गुरु हैं और प्रत्येक मनुष्य की कुंडली में जिनका सबसे अधिक प्रभाव होता है वह बृहस्पति ग्रह का होता है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में कई महत्वपूर्ण चीजों के कारक होते हैं, जैसे पति संतान, सुखी वैवाहिक जीवन, विवाह, शिक्षा, सुख समृद्धि और बुद्धि देते हैं। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति कमजोर होती है, उन्हें जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बृहस्पति ग्रह की कमजोर स्थिति से बचने के लिए बृहस्पतिवार के दिन कुछ उपाय किए जाते हैं। बृहस्पति ग्रह के खराब होने का बुरा प्रभाव आपके घर, वैवाहिक जीवन और धन आगमन पर पड़ता है, लेकिन अगर आप पूरे भक्तिभाव से विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं और साथ ही बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, उन्हें जीवन में सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और संपूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। गुरुवार के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से नौकरी में आ रही परेशानी, बिजनेस में घाटा, आर्थिक परेशानी जैसी सभी परेशानी दूर हो जाती हैं। अब जो उपाय करने हैं वो कौन से हैं? पहला, बिजनेस में घाटा चल रहा है, बरकत नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो आप गुरुवार के दिन मंदिर जाकर भगवान विष्णु या केले के पेड़ पर हल्दी की माला चढ़ाएं। साथ ही गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहने और हल्दी का तिलक लगाएं। इस उपाय को करने से गुरु की कृपा बरसती है और व्यापार में प्रॉफिट होने लगता है। दूसरा उपाय है नौकरी में प्रमोशन के लिए। जॉब में प्रमोशन या सैलरी ना बढ़ने को लेकर आप परेशान हैं, तो गुरुवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंग का प्रयोग करें। पीले फल फूल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। आप एक पीले रंग का कपड़ा लेकर इसमें पीले फूल, नारियल, पीले फल, हल्दी और साबुत नमक रखकर बांध दें। इन चीज़ों को मंदिर की सीढ़ियों पर रखकर आ जाएं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो तब आपको कोई ना टोके। तीसरा उपाय है गुरु दोष को दूर करने के लिए। आपकी कुंडली में अगर गुरु ग्रह कमजोर है या गुरु दोष है, तो इसके लिए गुरुवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाएं और विष्णु भगवान के सामने बैठकर हर गुरुवार को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। चौथा और आखिरी उपाय है सुख समृद्धि के लिए। गुरुवार वाले दिन सुबह में जल्दी उठकर नहाएं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा अर्चना करें। पूजा में केला, चना दाल और गुड़ का भोग जरूर लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस उपाय के करने से बरकत आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से घर धन धान्य से भरा रहता है।